स्टूडेंट्स, अभी जो हम लोग टॉपिक शुरू करने वाले हैं, दैट टॉपिक इज ऑफ न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स। अगर हम देखें हमारी बॉडी में जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं या सेंसरी सेल्स हैं, दोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आर कनेक्शन विद द एनवायरमेंट। मतलब हम अपने एनवायरमेंट के साथ कैसे जुड़े हैं, तो आंसर है हम अपने एनवायरमेंट के साथ जुड़े हैं थ्रू आर सेंसरी सेल्स इन आर बॉडी। देयर आर फाइव सेंस ऑर्गन्स, एक उसमें से है आईज, ईयर, नोज, टंग और स्किन। ये हमारी पांच सेंसेस हैं जिसके थ्रू हम आउटर वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट करते हैं और आउटर वर्ल्ड के साथ जुड़े हुए हैं। अब क्या है कि ये जो पांच सेंसेस हैं, ये जैसी चीजें हमें दिखाएंगी या जैसी हमें फीलिंग होगी, इसको एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। द ऑब्जर्वेशन बाय आर सेंसेस आर कॉल्ड एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन। तो तुम्हारी आंखों ने कुछ देखा, तुम्हारे कानों ने कुछ सुना, तुम्हारी टंग ने कुछ टेस्ट करा, तुम्हारे नोज में कोई स्मेल आई और तुम्हारे हाथ ने कुछ फील करा। ये पांच तरीके से तुम लोग आउटर वर्ल्ड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक डायग्राम मैं शेयर कर रहा हूं, और उस डायग्राम में हम सपोज करते हैं कि तुम्हारा जो हाथ है, इसकी फिंगर्स ने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर लिया। तो अब जिस हॉट ऑब्जेक्ट को तुम्हारी फिंगर्स ने टच करा है, दैट हॉट ऑब्जेक्ट यू कैन नॉट टॉलरेट। तो क्या होगा, तुम अपने हाथ को हटा लोगे। लेकिन ऑब्जेक्ट को टच करना और हाथ को हटाना डिफरेंट टास्क है। जब तुम किसी ऑब्जेक्ट को टच करोगे तो यहां पे केमिकल रिएक्शन होगा। वो जो केमिकल रिएक्शन है, वो केमिकल रिएक्शन यहां पे केमिकल रिलीज करेगा, और वो केमिकल में एक मैसेज होगा कि यस आई हैव टच्ड हॉट ऑब्जेक्ट। वो मैसेज यहां से होता हुआ तुम्हारे ब्रेन में जाएगा। ब्रेन में बहुत सारे पार्ट्स हैं ब्रेन के, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑब्जर्वेशंस ऑफ डिफरेंट सेंसेस। सो यहां पे जो ब्रेन है, ये रिस्पॉन्ड करेगा, तो यहां से मैसेज वापस जाएगा, और मैसेज अब किसको जाएगा, तो आंसर है मैसेज जाएगा मसल्स को। मसल्स से मैसेज किसको जाएगा, बोन्स को, और बोन्स की मूवमेंट हो, बोन्स की मूवमेंट के कारण तुम्हारा हाथ यहां से तुम हिलाओगे। दैट मींस कि तुमने टच किया, टच करने के बाद जो मैसेज ब्रेन में जाना है, ब्रेन में उस मैसेज की प्रोसेसिंग होने के बाद वो मैसेज बाद में एक्शन करेगा, और एक्शन के लिए जो चीजें उसने करनी है वो करेगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, यू आर वॉकिंग ऑन अ रोड, सडनली अ स्ट्रे डॉग कम्स बिहाइंड यू, यू सॉ दैट स्ट्रे डॉग, व्हाट विल हैपन, यू स्टार्ट रनिंग, और तुम उस स्ट्रे डॉग को दूर हटाने की कोशिश करोगे, समथिंग लाइक दैट। तो व्हाट हैपेंड इन दिस केस, योर आईज सॉ अ स्ट्रे डॉग, द मैसेज हैज रीच्ड टू योर ब्रेन, and your brain interprets that message as a danger. It transmits, it sends message to what? To your legs. कि भागो। तो message तो आंखों के द्वारा आया, तो उसका response कहां गया? Legs में गया कि भैया भाग जाओ। Similar situation, when you see a pizza, नहीं, तो तुम्हारा दिमाग क्या कहता है कि खा लो इसको, क्या टूट पड़, नहीं तो yes, sir. आपने पिज्जा आंखों से देखा, नाक से स्मेल करा, तो आपका ब्रेन कहा कि नहीं यार खा लेते हैं, तो ये तो हाथों को मैसेज दिया और हाथों ने खाना शुरू कर दिया। तो दिस इज व्हाट यू कॉल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन आर बॉडी। विदाउट दिस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर बॉडी कैन नॉट वर्क। तुम ये इमेजिन करो कि तुम्हारा दिमाग में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो तुम्हारा हाथ कोई किधर जाएगा, कोई टांग किधर जाएगी, तुम सीधे खड़े भी नहीं हो पाओगे। काम करना तो दूर की बात, तुम सीधे खड़े भी नहीं हो पाओगे। दिस इज व्हाट यू कॉल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसके दो फीचर्स होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो बाकी नर्व तुम दिखाई दे रहे हो, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, तो वी कॉल इट एज PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, देयर आर टू नर्वस सिस्टम्स इन आवर बॉडी, वन इज CNS, अनदर इज PNS। Right, students? अब पॉइंट क्या है,
पॉइंट ये है, जो ये ब्लू वाली लाइन्स देख रहे हो, जो ये मैसेज यहाँ से आपकी फिंगर से आपके ब्रेन तक लेके जा रहा है, और जो आपकी आंखों से ब्रेन तक लेके जा रहा है, जो आपके फुट तक लेके आ रहा है मैसेज, थ्रू आउट आवर बॉडी जो जो मैसेज का ट्रांसमिशन हो रहा है, दैट मैसेज इज ट्रांसमिटेड थ्रू नर्वस सेल, न्यूरॉन और नर्वस टिश्यू. हाउ नर्वस टिश्यू, हाउ नर्वस सेल, हाउ न्यूरॉन ट्रांसमिट्स मैसेज, लेट अस सी. नाउ लेट अस सी फर्स्ट ऑफ ऑल द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन. इन दिस स्ट्रक्चर व्हाट इज हैपनिंग, देयर इज अ सेल बॉडी और कॉल्ड साइटोन. साइटोन है यहाँ, ये डेंड्राइट्स हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शन है, और ये न्यूक्लियस है. यहाँ से इसका रास्ता यहाँ पे एक्सॉन है और ये एक्स्ट्रा सेल्स है, फिर यहाँ पे नर्व एंडिंग. नाउ वॉट इज हैपनिंग, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ वन न्यूरोन. देयर आर मेनी न्यूरोन्स इन आर बॉडी. द मैसेज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने के लिए हमें कई न्यूरॉन्स की जरूरत पड़ती है. सपोज दिस इज वन न्यूरॉन. वन न्यूरॉन इज अटैच्ड विद अनदर न्यूरॉन. अनदर न्यूरॉन इज अटैच्ड विद अनदर न्यूरॉन. दैट मींस द सेंसरी सेल्स एक्सेप्ट द मैसेज फ्रॉम एक्सटर्नल चेंजेस. दे ट्रांसमिट मैसेज फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर, अनदर टू अनदर, अनदर टू अनदर, देन टू ब्रेन. एट दिस पॉइंट, at this point where from where it receives the message, that is called dendrite. Through this dendrite a neuron receives the message, there is no other way. And nerve ending, yahan pe dendrite, yahan pe nerve ending, yahan pe dendrite, yahan pe nerve ending, this is how neurons are arranged. So similar neuron is arranged at this place, similar neuron is arranged further is tarah se. So that means dendrite absorb the information and nerve ending pass this information to the next neuron. Us next neuron ke dendrite yahan pe honge, jiske ki nerve ending se dendrite ki taraf jayega. I hope tum log ye baat ko samajh pa rahe hoge. Now dendrites jo hai wo chemical ko absorb kar sakte hain. Main yahan pe likh deta hu, they can absorb chemical, they can absorb chemical, they can absorb chemical. That means for information to pass through dendrite we need a chemical change near dendrite. तो यहां से केमिकल आएगा डेंड्राइट के अंदर, ये सेल बॉडी उस केमिकल को इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन में कन्वर्ट करेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट करेगी, और यहां से इलेक्ट्रिकल इंपल्स यहां पे आएगी और नर्व एंडिंग तक इलेक्ट्रिकल इंपल्स आएगी. नाउ व्हाट हैपेंस, दिस इलेक्ट्रिकल इंपल्स इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, केमिकल. नाउ दिस केमिकल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन टू डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन एंड द प्रोसेस गोज ऑन. गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स, इसको साइनैप्स बोलते हैं. तो नर्व एंडिंग रिलीज केमिकल इन दिस साइनैप्स फ्रॉम वेयर डेंड्राइट एब्जॉर्ब दैट केमिकल एंड द सिस्टम गोज ऑन. तो देयर आर थ्री पार्ट्स इन द न्यूरॉन. वन इज साइटोन और सेल बॉडी. इट कंटेन्स सेंट्रल न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म विद कैरेक्टरिस्टिक डीपली स्टेन पार्टिकल. डेंड्राइट्स, दे आर शॉर्ट प्रोसेसेस अराइजिंग फ्रॉम साइटोन और सेल बॉडी एंड एब्जॉर्ब इंफॉर्मेशन. Axon, it is single long cylindrical process of uniform diameter.